खरगोन जिला अस्पताल में कोरोना महामारी के बीच स्वास्थ्य कर्मी मरीजों की सेवा में जुटे हैं। इनको काम के बदले पुरस्कार के बजाय सरकार उन्हें नौकरी से हटाने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि सरकार द्वारा कोरोना काल की शुरुआत से आयुष डॉक्टर, जीएनएम स्टाफ, मेल नर्स, लैब टेक्नीशियन और सपोर्ट स्टाफ की अस्थायी भर्ती की गई थी। खरगोन जिले में भी 150 से ज्यादा कर्मचारी जिला अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों में काम कर रहे थे। कर्मचारियों का कहना है कि अभी तक हमने अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाई है। जिस समय हर कोई कोरोना मरीजों के पास जाने से डर रहा था, तब कोरोना मरीजों की सेवा के लिए आगे आए थे। हमें संविदा नियुक्ति की उम्मीद थी, लेकिन सरकार हर महीने लॉलीपॉप देती रही। अभी हाल ही में एक आदेश जारी कर अस्थायी कर्मचारियों को हटाने का मन बना लिया है। ऐसी स्थिति में कर्मचारियों ने मोर्चा खोल लिया है। कर्मचारियों ने काली पट्टी बांध कर अपना विरोध जताया है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। कर्मचारी बता रहे हैं आज आंदोलन करा। एनएचएम से ये निर्देश ही आए हुए हैं, उसी दिशा निर्देश के अनुसार इनकी रखे जाने के, जो कि स्पष्ट निर्देश केवल इनकी जो नियुक्ति थी 30 नवंबर तक की थी, और अभी केवल डॉक्टर्स के लिए, लैब टेक्नीशियन के लिए और स्टाफ मेंबर्स जो हैं वो केवल 50% हमारी सेंशन हुई है। एनएम के लिए हमारे को कोई सिफाती नहीं मिली है, और सपोर्ट स्टाफ जो हमारे 16 सेंशन थे वो केवल 16 है। बोलो, आज उन्होंने नारेबाजी भी करी हॉस्पिटल में, बोले थे हम धरने पे जाएंगे, आंदोलन करेंगे। 16 सपोर्ट स्टाफ जो पहले काम कर रहा था वो वही रहेगा, केवल जिला अस्पताल के लिए हमको स्वीकृति मिली है, बाकी कहीं के नहीं मिली है। और फीवर क्लिनिक के लिए स्टाफ नर्स के लिए स्वीकृति मिली, लैब टेक्नीशियन के लिए भी, मतलब जो है केवल फीवर क्लिनिक के लिए स्वीकृति मिली। और इस पर पहले ही चूँकि ये टेम्प्ररी अस्थाई, मतलब मानव संसाधन के लिए किया गया था, कोई नियुक्ति नहीं थी, तो इसके लिए कोई ऑब्जेक्शन, ये तो पहले ही ये सब चीज़ें क्लियर थी। बॉन्ड भरवाए गए थे इन लोगों से? बॉन्ड नहीं, केवल एक मतलब वो रहता है अपना एग्रीमेंट जो रहता, केवल तीन महीने का एग्रीमेंट। और मानव संसाधन में कोई नियुक्ति नहीं थी, ये केवल एक अस्थाई था, और ये पहले से ही मालूम था जब कर रहे थे, तो इसके लिए किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कोविड के लिए पिछले 6-7 महीनों से वर्क कर रहे हैं, और अभी 25 तारीख को जो आवेदन आया है उसमें हम लोग को निकालने के लिए कहा गया है गवर्नमेंट ने, और उन्होंने अपना ये रखा है कि अभी हम लोगों का हो गया, जैसे तो आप सब जानते कि कोविड ख़त्म नहीं हुआ, अभी कोविड चल रहा है, बट इसके बावजूद भी हम इतना स्टाफ है और स्टाफ जो है निकालने के लिए कह रहे हैं, तो हम लोग तो ये है ना कि हम लोग अभी तक तो रोज़गार थे, कहने को तो ये हो जाएगा ना कि गवर्नमेंट का काम जब तक था तब तक हम लोग को रख लिया गया है ना, अब काम हो गया है तो निकाल दिया गया है, तो ये चीज़ नहीं हो सकती ना। और हम लोग बस इतना चाहते हैं कि अब हम कहाँ जाएंगे है ना, बस या तो हम लोगों को जॉइनिंग दे आगे के लिए, तो हमारे भी घर बार हैं जो चलते रहे है ना, और गवर्नमेंट की हेल्प भी, हम लोग ये नहीं चाह रहे कि हम गवर्नमेंट की हेल्प नहीं करें, हम लोग आगे इसलिए आए ताकि हम उसको हेल्प कर सकें, जो प्राइवेट वाले नहीं आ रहे थे तो उन लोगों ने पोस्टिंग निकाली और हम आगे आए है ना, और उनकी हेल्प के लिए आए। अब जब हमने हेल्प की तो गवर्नमेंट से हम भी हेल्प की उम्मीद कर रहे हैं, और कोरोना तो अभी चल ही रहा है, थर्ड वेव जो स्टार्ट हुई है हमारे यहाँ पे, तो वो और भी वर्स्ट हो सकती है, जैसे हम पेशेंट देख रहे हैं अभी, कंडीशंस देख रहे हैं कि लगातार रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है ना, और रिकवरी रेट भी है लेकिन बढ़ भी रहा है, तो उसके लिए मेंटेन करना एक रोटेशन ज़रूरी है, तो संभालेगा कौन ये सर? तारीख का आदेश आया है कि NM, फार्मासिस्ट, आयुष डॉक्टर्स, इनको निकालने का आदेश आया है, तो इसी के विरोध में सभी ने आज ड्यूटी पे रहते हुए काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करवाया है, और आगे अगर सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं करती है तो हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, और सभी जितने भी नेता हैं, विधायक, सांसद जितने भी हैं, उनके घर जा जा के थाली बजा कर उनके घर पर ही और जिला हॉस्पिटल में ही धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो, क्योंकि अभी तक कोरोना गया नहीं है, थर्ड स्टेट पे आ गया है, इसलिए जो भी पेशेंट अभी आ रहे हैं वो सीरियस हो के आ रहे हैं, और हम लोगों को निकाल देंगे तो बद से बदतर हालत हो जाएगा सभी सरकारी हॉस्पिटलों की, इसलिए हमारी मांगे हैं हमें या तो रेगुलर किया जाए या तो संविदा पर रखा जाए, एकदम से हटाना उचित नहीं है, ये सरकार को भी पता है कि अगर हटा दिया तो क्या हालत हो जाएगी, इसलिए हमारी एक ही मांग है हमको हटाया ना जाए। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार, जिला अस्पताल खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़।
हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।